तो एक तरफ कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर रार बरकरार है, तो वहीं कांग्रेस शासित राजस्थान में भी पार्टी के दो मुख्य चेहरों में जुबानी जंग जारी है। तो वहीं अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के एक ताजे बयान ने मामले को और धार दे दी है। लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस के भीतर शुरू हुआ आरोप प्रत्यारोप का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर रार बरकरार है, तो वहीं कांग्रेस शासित राजस्थान में भी पार्टी के दो मुख्य चेहरों में जुबानी जंग जारी है। तो वहीं अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के एक ताजे बयान ने मामले को और ज्यादा धार दे दी है। अशोक गहलोत ने कहा है कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट को उनके बेटे वैभव गहलोत की हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। दरअसल अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के एक पुराने बयान का हवाला देते हुए कहा है कि सचिन पायलट ने कहा था कि हम बड़े बहुमत से जीतेंगे। उन्होंने कहा कि जोधपुर लोकसभा सीट में हमारे 6 विधायक जीते हैं, हमने वहां अच्छा प्रचार किया है, अब सचिन पायलट को कम से कम जोधपुर में हुई हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हालांकि जब विवाद बढ़ा तो अशोक गहलोत अपने बयान से पलटते नजर आए। उन्होंने कहा ये सबकी जिम्मेदारी है, चाहे वह प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हो या फिर मुख्यमंत्री, इतनी बड़ी पैमाने पर हार समझ से परे है। हालांकि राजस्थान सीएम के इस बयान पर सचिन पायलट ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सचिन पायलट ने इसे हैरान करने वाला बताया है। आपको बता दें कि राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। कांग्रेस 2019 लोकसभा चुनाव में इनमें से एक भी सीट नहीं जीत पाई। अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत जोधपुर सीट से मैदान में खड़े थे, उन्हें 2,70,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत ने उन्हें हराया है। अशोक गहलोत ने अपने बेटे को जिताने के लिए जोधपुर में जमकर प्रचार किया था। उनके विरोधी कहते हैं कि इस सीट से बाहर निकलकर अशोक गहलोत कहीं और प्रचार करने नहीं गए और ज्यादातर रैलियां इसी सीट पर की। शायद यही वजह है कि राहुल गांधी अशोक गहलोत से खासे नाराज नजर आ रहे हैं। स्पेशल डेस्क